फेसबुक में ऐसा अपडेट है जिसके बारे में ना तो आपको पता है ना किसी ने बताया होगा। फेसबुक में बाकी एप्लीकेशन के जैसे उसमें भी एक सेटिंग होता है जिसके द्वारा या फेसबुक अपने आप में ऐसा अपडेट होता है कि लोगों को फेसबुक जैसे ही एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं उसके अंदर बहुत सारे सेटिंग्स होते हैं। उन सेटिंग्स में एक सेटिंग है जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। उसको आप ऑफ कर देंगे या रिमूव कर देंगे तो कुछ आपको राहत मिलेगी। क्या राहत मैं आगे बताने वाला हूँ। फेसबुक जो एप्लीकेशन है फेसबुक के अंदर और आपके जो मोबाइल में जितने सारे ऐप्स हैं या तो आपने जितने सारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके रखा है उन एप्लीकेशन में आपने जो अप्रूवल दिया है या अलाउ किया है या परमिशन दिया है आपने जितने सारे ऐप्स हैं। बहुत सारे ऐप्स हम लोग डाउनलोड करके रखते हैं अपनी सुविधा अनुसार। उन सुविधा अनुसार हम एप्लीकेशन तो डाउनलोड कर लेते हैं लेकिन हमारे सभी चीज़ एक्सेस होती है। तो फेसबुक भी वही चीज़ करता है। फेसबुक जैसे ही हम चलाते हैं तो उसमें ऑलरेडी ऑन रहता है एड सर्विस। जी दोस्तों, एड सर्विस जो होता है ऑटोमेटिक फेसबुक इंस्टॉल करते ही वो अपडेट ले लेता है। जैसे कि बाकी सारे ऐप्स में इंस्टॉलेशन के बाद हम परमिशन देते हैं सब चीज़ का, अलाउ कैमरा, अलाउ अकाउंट, कॉन्टेक्ट नंबर, मैसेज, सब चीज़ अलाउ कर देते हैं। उसके बिना एप्लीकेशन चालू नहीं होता। वैसे ही फेसबुक भी ऑटोमेटिक जब फेसबुक एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो उसमें तो ऑप्शन नहीं रहता कि अलाउ कर दें करके, लेकिन पहले से ही अपडेटेड रहता है। उसको हम चाहे तो उसको बंद कर सकते हैं और ना चाहे तो हमारा नुकसान भी होता है। जैसे ही कि फेसबुक में हम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक के अंदर एक ऐसी चीज़ होती है जिसके कारण सभी हमारे मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर जितने सारे ऐप्स हैं उन सभी ऐप्स का डाटा रिकवर करता है। उन सभी ऐप्स में डाटा होती है या हम तो फेसबुक में ऑलरेडी परमिशन दे चुके रहते हैं, उसको हमें ऑफ करना बस होता है या रिमूव करना होता है। उन फेसबुक में हमारे मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर, स्मार्ट मोबाइल के अंदर बहुत सारे ऐप्स होते हैं, उन सभी को एक्सेस होती है, डाटा होती है, उनको रिकवर करती है, एक्सेस करती है। उन्हीं के द्वारा हमारे फेसबुक के अंदर एड्स आते हैं। हम को पता ही नहीं रहता फेसबुक के अंदर बहुत सारे एड्स आने लग जाते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजोन एक्सेस करती है, उसी के द्वारा हमारे फेसबुक में एड्स चलाते हैं और पैसा भी फेसबुक को ही मिलता है। इससे क्या होता है, हमें नुकसान होता है। हमारे जो जो पसंद की चीज़ें हैं वो फेसबुक उसको जान लेती है और उसी के द्वारा फेसबुक क्या करती है, एड्स चलाती है या उसी उसको एक्सेस कर करके हमारे डाटा को रिकवर करती है और हमें पता भी नहीं रहता। तो उससे बचने के लिए मैं एक उपाय बताऊंगा या सेटिंग बताऊंगा जिसको आप कर लेना है और करने के बाद सब चीज़ ठीक हो जाएगा। तो चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। सबसे पहले तो अपने फेसबुक को ओपन कर लेना है। ओपन करते ही हमें थ्री डॉट या थ्री लाइन दिख रहा होगा, यहाँ आपको क्लिक करना है। सिंपली क्लिक करने के बाद सबसे नीचे हम जाएंगे, यहाँ आपको दिखेगा सेटिंग एंड प्राइवेसी, यहाँ आपको क्लिक करना है। उसके बाद जस्ट सेटिंग दिख रहा होगा फिर वहीं क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैं आपको आगे बताऊँगा इस तरह से खुलेगा। फिर क्या करना है, आपको जस्ट स्क्रॉल करना है, नीचे आना है और नीचे आना है। नीचे आते ही एक ऑप्शन होगा ऐप्स एंड वेबसाइट का, ऐप्स एंड वेबसाइट का ऑप्शन होगा, वहाँ आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद मेरे में तो रिमूव है, आपके मोबाइल में अगर इसको खोल के देखना या ओपन करके देखना तो उसमें आपके जितने भी आपके मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन हैं उन सभी एप्लीकेशन का लिस्ट निकल जाएगा यहाँ पर। उसको क्या करना होगा, आपको यहाँ से व्यू रिमूव एप्स एंड वेबसाइट यहाँ आपको क्लिक कर देना है। सिंपली यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका जितने भी परमिशन है आपके मोबाइल के एप्लीकेशन का परमिशन आपके फेसबुक में हो जाता है, ऐड हो जाता है, जिसके कारण बहुत सारे एड्स आते हैं आपके पसंदीदा जो जो आप चाहते हैं जो करते हैं वो सभी का कवरेज करके रिकवर करती है डाटा। डाटा रिकवर करने से क्या होता है, आपके वो जो आप करते हैं जो भी करते हैं जो आपको पसंद है उस चीज़ सब चीज़ फेसबुक कॉन्टेक्ट में ले लेता है, जिसके ज़रिए से आपके फेसबुक में एड्स भी आते हैं और बहुत सारे चीज़ करते रहता है फेसबुक।
जिसके कारण आपको उसके बाद क्या करना है, यहाँ आपको दिख रहा होगा एप्स वेबसाइट गेम्स, इसको भी टर्न ऑफ कर देना होगा। गेम्स एंड नोटिफिकेशन, इसको भी ऑफ कर देना होगा। इससे क्या होगा, आपका फेसबुक सिक्योर हो जाएगा और आपका डाटा भी एक्सेस नहीं होगी। मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल में नए सब्सक्राइब कर देना।